प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व करने का आपको मिलेगा, जो कि यूनि डायमेंशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जेई मेन 2022 में पूछा भी गया है। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है। प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान देना है आपको कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन होते बहुत इजी हैं। तो आज आप सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सब के सब प्यारे बच्चों डायमेंशनलेस होते हैं। और जो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बताओ, इतना इजी होता है कि आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा और इससे कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्यारे बच्चों हेल्प मिलेगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसे वीडियोस जो आप अपलोड हो रहा है तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सबको इसका बेनिफिट मिले, सब लोग सीखें। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा लॉग के एक्स अपॉन बीटा। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये पूरा डायमेंशनलेस हो जाएगा, पूरा डायमेंशनलेस। जिसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो टर्म दिया है पी के एक्स, ये है क्या? तो लिखा है, देखो पी इज डायमेंशनलेस, पी का कोई डायमेंशन ही नहीं है। के यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे को डायमेंशनलेस कर देंगे। तो ये डायमेंशनलेस होगा तो ये पूरा टर्म के एक्स अपॉन बीटा डायमेंशनलेस हो जाएगा। यहाँ से के और एक्स का डायमेंशन पता है, बीटा का डायमेंशन आ जाएगा। और उसके बाद से लगा देंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? किसी भी फिजिक्स के इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो जब ये पूरा डायमेंशनलेस है और पी भी डायमेंशनलेस है, तो अल्फा अपॉन बीटा भी प्यारे बच्चों डायमेंशनलेस हो जाएगा। और जब बीटा का डायमेंशन हम यहाँ से निकाल लेंगे तो अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं इसका सोल्यूशन, कितना आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा इसका सोल्यूशन, इससे और भी क्वेश्चन आपको सीखने को मौका मिलेगा। इसी से रिलेटेड आपके बुक में और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन हैं, एक्सपोनेंशियल, सब सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां से इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया था P इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा, है ना, अल्फा अपान बीटा। और क्या दिया था प्यारे बच्चों? लॉग, है ना। और यहां लिखा था के एक्स अपान बीटा। और यहाँ पे E का मतलब होता है इसका जो बेस है वो E है। जैसे लॉग में एक 10 बेस होता है, एक E बेस होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे 10 बेस हो चाहे E बेस हो, इस कॉन्सेप्ट से आपको चलना है। फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है ना, देखिए P इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा लॉग के एक्स अपान बीटा, जिसमें K काइनेटिक एनर्जी है, X डिस्प्लेसमेंट है, और P का कोई डायमेंशन नहीं है, लिखा है P डायमेंशनलेस है। तो हम लोगों को जो डायमेंशन फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है? अल्फा का डायमेंशन हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पर। तो आइए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो जब सोल्यूशन इसका हम लोग करेंगे, तो इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि इसके सोल्यूशन में ये पूरा डायमेंशनलेस होगा। क्यों डायमेंशनलेस होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसलिए जब ये पूरा डायमेंशनलेस होगा, तो इसके जो टर्म ये जुड़ा है के एक्स अपान बीटा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि जो के एक्स अपान बीटा है, इसका डायमेंशन हम लोग डायमेंशनलेस कर देंगे, क्योंकि ये पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। और डायमेंशनलेस का मतलब जीरो ना लिख देना, डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वन होता है। तो यहाँ से हम किसका डायमेंशन निकालना है? बीटा का। तो बीटा का जो डायमेंशन हम लोग फाइंड करेंगे, तो बीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू, ये बीटा इधर आ जाएगा, अब बचेगा कितना? के इंटू एक्स। और के यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे लिख दीजिए एम एल टू टी पावर माइनस टू, और एक्स का यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा एल। तो इस तरह से ये आ जाएगा एम एल क्यूब टी पावर माइनस टू, कितना आ गया? एम एल पावर थ्री टी पावर माइनस टू, ये बीटा का डायमेंशन आ गया। अब लगा दो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? कि ये पूरा प्यारे बच्चों जब डायमेंशनलेस है, ये जब डायमेंशनलेस है, तो यही ना बचा, कितना बचा? अल्फा अपान बीटा। तो अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन किसके बराबर कर दें? पी का डायमेंशन के बराबर कर दें। अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन इजकल टू पी का डायमेंशन, ओके। और आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहां से अगर हम लोग देखें, तो
अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू पी का डायमेंशन, और पी लिखा है डायमेंशन लेस, क्वेश्चन में लिखा है पी डायमेंशन लेस, तो यहाँ से अल्फा अपान बीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू पी को कह रहा है डायमेंशन लेस, तो इसको आप वन लिख दीजिए, जब वन लिख देंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से अल्फा का जो डायमेंशन आ गया वो बीटा के ही डायमेंशन के बराबर आ गया, है ना, बीटा के डायमेंशन के बराबर आ गया। और जब बीटा का डायमेंशन आप देखेंगे तो ये कितना है, एम एल क्यूब टी पावर माइनस टू, दैट इज आंसर। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपके इस कॉन्सेप्ट का डेवलप हो और आप जेई और नीट दोनों में से क्वेश्चंस क्या कर सकें सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, देखिए एम एल क्यूब टी पावर माइनस टू, इसका बी ऑप्शन सही है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए एम एल क्यूब टी पावर माइनस टू, इसका बी ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इजी होते हैं, थोड़ा सा सीख जाइए तो बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस को आप चाहते हैं कि हमेशा ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सलूशन मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कीजिए, जिससे सबको इससे बेनिफिट मिले। थैंक यू प्यारे बच्चों।